प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग दयानंदपुर ईशान। हम अपना जो अगला पार्ट है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं शुरू कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन, समाज और धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया है, तो आज हम अपना जो अगला पार्ट है उसमें हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन और उसके पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में खुदाई से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार के अवशेष हैं, एंटीक्विटीज हैं, वो मैं दिखाऊंगा इसमें। तो आर्थिक जीवन से पहले मैं आपको दोबारा से थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी जो कि लगभग 5,000 साल पुरानी नगरीय सभ्यता है और ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन है। और जो हड़प्पा सभ्यता है अपने नगरीय जीवन के लिए विशेष तौर पे जो नाली व्यवस्था है, नगर योजना है, उसके लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। तो अब हम अध्ययन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की समाज धर्म के साथ साथ उनका जो आर्थिक जीवन है वो किस प्रकार का है। तो हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की विशेषता। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके नगरीय जीवन की तरह से ही जो उसका आर्थिक जीवन है वो भी एक उच्च कोटि का रहा है। उत्खनन से प्राप्त विभिन्न अवशेष हैं कि जिनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो उसके आधार पर हम सबसे पहले बात करते हैं खेती, कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सबसे मुख्य व्यवसाय था वो था खेती। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो सिंधु और उसकी शायद नदियों घाटियों में फली फूली थी है। और नदियों द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी है, जो बाढ़ की मिट्टी है, उसका प्रयोग वो लोग खेती के लिए करते थे। और जो खेती है हल और बैल के द्वारा की जाती थी। ऐसे हमें बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बनावली से हमें एक खिलौना हल प्राप्त हुआ है हरियाणा में। और इसी प्रकार से हमें बहुत से मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं खिलौना हल की, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम बुल बोलते हैं इसको, कुबड़ वाला बैल, ये इसके प्रमाण हमें मिलते हैं कि जिसका प्रयोग वो लोग करते थे। जो खेती है वो हल के और बैल के द्वारा की जाती है और जो हल है वो उसकी कांस्य धातु की उसकी नोक होती थी और उसका प्रयोग किया जाता था। हंसिए का प्रयोग वो लोग करते थे जो, और इसके साथ साथ उस समय बड़े पैमाने पर हमें अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, मटर, उड़द इत्यादि। इसके साथ साथ हमें खेती के प्रमाण के तौर पे कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं राजस्थान में कालीबंगा से। और ऐसे ही हमें लोथल में एक अन्नागार मिला है, गोदाम मिला है कि जिसमें वो लोग अनाज है स्टोर करते थे। तो ये सारे के सारे प्रमाण हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से मेहरगढ़, वहां से हमें कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। गेहूं और जौ के हमें कालीबंगा से प्रमाण मिलते हैं। बालाकोट से हमें राई और तरबूज के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से हमें धान के प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य फसलें थी और उस समय जो खेती है मुख्य तौर पर वर्षा के ऊपर निर्भर करती थी। उस समय प्रचुर मात्रा में बारिश होती थी, इसके भी बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगर योजना में नाली व्यवस्था का प्रयोग किया है कि जो नालियां हैं 1 से 5 फुट तक गहरी थी, 9 से 12 इंच तक थोड़ी होती थी। यानी जो नाली व्यवस्था है वो ये शो करता है कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बारिश होती थी और इस प्रकार से नदी घाटियों में ये जो विकसित हुई थी तो ये लोग खेती करते थे। तो इस प्रकार से ये उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती रहा होगा। दूसरा जो मुख्य व्यवसाय है वो हम दिखाते हैं इसमें पशुपालन। कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता था। कि हड़प्पा सभ्यता से हमें खुदाई में मानव कंकाल के साथ साथ पशु पक्षियों की हड्डियां मिलती हैं, जिनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, कुत्ता, सुअर, ऊंट इत्यादि की हड्डियां हमें मिलती हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें कहीं पर भी घोड़े के अवशेष प्राप्त
प्राप्त नहीं होते, घोड़े की संभवतः उनको जानकारी नहीं थी। और इन पशुओं का प्रयोग वो लोग शिकार के लिए, खेती के लिए, भोजन के लिए और यातायात के साधन के तौर पे वो लोग प्रयोग करते थे। कि जैसे मैं आपको कुछ खुदाई से प्राप्त जो अवशेष है, विशेष तौर पर जो हरियाणा है वहां से हमें राखी गढ़ी और भेड़ाना के जो उत्खनन हुए हैं वहां से हमें मिले हैं। जैसे ये एक गाय है तो राखी गढ़ी से हमें एक ये प्रमाण मिला है, ये ओरिजिनल है गाय का खिलौना है ये बच्चों के खेलने का। कि बच्चों का जो खिलौने हैं वो रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, कि जो चीज वो देखते हैं उसी का ही वो करते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको ये दिखाया था कुकड़ वाला बैल बोलते हैं, खेती में इसका प्रयोग वो लोग करते थे। इसी प्रकार से ये बच्चों का एक खिलौना है भेड़, इसमें पहिए डालते थे वो लोग, जैसे ये कुछ है और इसके साथ वो चलते थे, तो ये इनके प्रमाण है। और इसी प्रकार से ये कुछ बैलगाड़ी के प्रमाण है हमारे पास, कि वो लोग बच्चे खिलौने बनाते थे और इसमें वो लोग प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से एक मैं आपको ये एक मोहर मिली है कि इस मोहर के ऊपर भी एक ये बैल का अंकन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, और जो ये पशु हैं इनका प्रयोग खेती के लिए, आवागमन के लिए, भोजन के लिए, इन सब का प्रयोग वो लोग करते रहे होंगे। तो ऐसे हमें बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से जो आर्थिक जीवन का जो अगला आधार है वो है शिल्प व्यवसाय। कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं खेती और पशुपालन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के शिल्पों को, व्यवसायों को भी जानते थे, जिनमें मुख्य तौर पर सबसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर हम देखते हैं बर्तन बनाने का व्यवसाय। कि वो लोग ना मिट्टी के और कांसे के बर्तन बनाना जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से हमें ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं खुदाई से कि जिसमें वो लोग बर्तन बनाते थे। मैं आपको कुछ अवशेष दिखा रहा हूँ। ये एक है मेरे पास, बिसोन स्टैंड बोलते हैं इसको, सादात तस्त्री। कि इस पे जैसे आज हम डाइनिंग टेबल के तौर पे इस पे खाना खाते हैं, तो इसके ऊपर वो लोग खाना रख के खाते थे। ये राखी गढ़ी से हमें एक फुल पीस मिला है, तो ऐसे ये है डिश ऑन स्टैंड। इसी प्रकार से ये हमारे पास है परफोरेटेड जार, ये एक बर्तन बनता है इस प्रकार से, काफी बड़ा है, स्टोरेज के लिए है। कुछ पीसेस हैं ये मेरे पास कि जिसका प्रयोग वो लोग करते थे, तो ये बर्तन बनाने का व्यवसाय है। ऐसे ही ये कुछ पीसेस मेरे पास हैं बर्तनों के, जैसे ये घड़े का है कि इसको उनकी बनावट के आधार पर उसको देखें कि बहुत ही बारीक है, ये बनावट पका हुआ है और इसके ऊपर ये अंकन किया जाता था। लाल बर्तन के ऊपर है ये, काले रंग से इसके ऊपर अंकन किया जाता था। इसी प्रकार से ये कुछ पीसेस मेरे पास और हैं कि ये मिट्टी के बर्तन वो बनाने का व्यवसाय जानते थे। इसी प्रकार से ये बच्चों का खिलौना है, ये बिक्र है ये, कि इसका प्रयोग वो लोग करते थे। तो बर्तन बनाने का व्यवसाय मुख्य तौर पर है। और ये बर्तन बनाने में ना जो कुम्हार के द्वारा, डाबर बोलते हैं इसको, कि जब बर्तन बनाते थे तो गोलाई देने के लिए इसको अंदर की तरफ से इसके साथ ये काम करते थे। तो ये बर्तन बनाने का व्यवसाय मुख्य तौर पर उसमें प्रचलन में रहा होगा। दूसरा जो मुख्य व्यवसाय है ईंट बनाने का व्यवसाय। ये हड़प्पा सभ्यता से जितने भी नगर हैं वहां से हमें कच्ची और पक्की ईंटें मिलती हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले व्याख्यान में आपको बताया था कि 1:2:4 में ईंटें बनाई जाती थी, तो कच्ची और पक्की ईंटें, यानी सभी जगह से हमें ऐसे ईंट बनाने का व्यवसाय भी उसमें प्रचलन में रहा होगा। इसी प्रकार से आभूषण बनाने का व्यवसाय है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सजने संवरने का बहुत चाव था। आपने पहले लेक्चर में देखा था कि उसमें जैसे सोने चांदी के आभूषण भी दिखाए गए हैं और साथ में मिट्टी की चूड़ियां हैं वो भी दिखाई हैं। मैं कुछ पीसेस के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये ना चूड़ियां हैं, ये हमें पीसेस मिले हैं, इनको हमने आगे ज्वाइंट किया है।
तो ये मिट्टी की टेराकोटा बैंगल्स बोलते हैं इसको, ये बनाने का व्यवसाय है उसमें था। इसी प्रकार से ये कुछ शेल बैंगल हैं जो शंख की चूड़ियां हैं, इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही ये कांसे की चूड़ी का पीस है, यानी ये लोग ऐसे आभूषण बनाते थे, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से उसमें मणके बनाने का व्यवसाय भी प्रचलन में था, कि जो मणके हैं वो विभिन्न प्रकार के बनते थे, मिट्टी के भी बनते थे और कुछ कीमती पत्थर हैं, जैसे ये कुछ टेराकोटा बीड्स हैं, ये हमें पीसेस में मिले हैं अलग अलग से, हमने इसको माला बना के दिखाया जो विशेष रूप से पशुओं को उसमें डाला जाता था। ऐसे ही ये मिट्टी का मणका है कि जो पशुओं के गले में डाले जाते थे। इसी प्रकार से कुछ बीड्स में आपको और दिखा रहा हूँ, ये हमें खुदाई से अलग अलग स्थानों पर जाते हैं वहां से हमें मिले हैं। ये हैं, ये जो मणके बनाने का व्यवसाय है वो भी प्रचलन में रहा था। इसी प्रकार से ये मेरे पास मोहर है, इसकी रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है, उसका हमने एक नमूने के तौर पे लिया है। तो बड़े पैमाने पर मोहरें बनती थी, तो मोहर बनाने का व्यवसाय भी उसमें प्रचलन में रहा होगा, तो ये भी है यहाँ पे। इसी प्रकार से खिलौने बनाने का व्यवसाय, जैसे मैंने आपको दिखाए हैं कि बच्चों के खिलौने हैं, कि इनका प्रयोग वो लोग करते थे, तो खिलौने बनाने का व्यवसाय भी, बैलगाड़ी है, झुंझुने हैं, पहिए हैं, ये पहिया है जैसे, इस प्रकार से बहुत सारे व्यवसाय उस समय प्रचलन में रहे होंगे। तो इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता से हमें ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि जैसे वो रंगने का व्यवसाय, वस्त्र रंगने का कपड़े रंगते थे, कि ऐसे में खुदाई से ना कुछ कांस्य के बर्तन मिले हैं, कि उन बर्तनों के अंदर ना रंग के प्रमाण है, कि संभवतः वो लोग इसका प्रयोग रंगने के लिए भी करते रहे होंगे। तो इस प्रकार से उनके आर्थिक जीवन का जो तीसरा बड़ा स्तंभ था वो था उनका शिल्प और व्यवसाय, यानी बहुत सारे व्यवसाय वो करना जानते थे, ऐसे हमें बहुत से प्रमाण हमें मिलते। इनके अलावा और भी बहुत सारे व्यवसायों की जानकारी थी कि जिनके बारे में हम खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यापार और वाणिज्य की। तो हड़प्पा से पहले के लोग हैं, कृषि और उद्योग के साथ साथ व्यापार भी उनका मुख्य साधन रहा है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का, कि वो लोग ना आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार करना जानते थे। आंतरिक व्यापार में यानी जो घरेलू उपयोग की, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे बर्तन हैं, औजार हैं, अनाज है, यानी जो जरूरत की वस्तुएं है ना, एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे गांव में उसको वो बिक्री के लिए लेकर जाते थे। इसी प्रकार से बाह्य व्यापार भी वो लोग करते थे, यानी इन लोगों का विदेशों के साथ व्यापार चलता था। ऐसे हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं कि वो लोग मिस्र और मेसोपोटामिया आदि जो सभ्यताएं हैं ना, उनके समकालीन थे, उनके साथ भी इनका व्यापार चलता था। ऐसे हमें बहुत से प्रमाण मिलते हैं खुदाई से, जैसे हड़प्पा से पहले के मोहरों के ऊपर ना पाल वाले जहाज का अंकन है, जो समुद्री जहाज चलते हैं उनका अंकन मिलता है। इसके साथ साथ लोथल के अंदर एक तो बंदरगाह मिली है, ये संभवतः मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से यहाँ पे समुद्री जहाज हैं वो सामान लेकर आते थे और यहाँ से विदेशों में और विदेशों से भारत में हड़प्पा सभ्यता में इनकी बिक्री के लिए वो लेकर जाते थे। इसी प्रकार से एक प्रमाण हमें मिलता है मेसोपोटामिया से, एक मोहर अभिलेख मिलता है 2350 ईसा पूर्व का, उसके ऊपर ना तीन अंकन है, नाम है मेलुहा, दिलमुन और मगन। मेसोपोटामिया गजलाप्रात की घाटी में एक सभ्यता है, वहां से 2350 ईसा पूर्व की एक अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलती है। मेलुहा की पहचान है सिंधु क्षेत्र से, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। दिलमुन बहरीन द्वीप से है और मगन की पहचान दक्षिणी अरब से है। यानी इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग इन स्थानों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इसके साथ साथ कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो विदेशों से यहाँ पर आती थी, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया से, जैसे यहाँ पे चांदी अफगानिस्तान से आता है, बदख्शां से लाजवर्द आता है, इसी प्रकार कोलार सोना आता है वहां से,
खेतड़ी राजस्थान में है, वहां से तांबा आता है और विदेश में जाता है। तो इस प्रकार से कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो अगला प्रमुख व्यवसाय था वो व्यापार था, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार वो करते थे। अब हम बात करते हैं नापतोल, यानी उनका विनिमय का साधन क्या था, कि व्यापार का तरीका क्या था, कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापार है वो मुख्य तौर पे ना विनिमय, वस्तु विनिमय के आधार पर, बार्टर सिस्टम के आधार पर चलता था, यानी वस्तुओं का अदला बदली के तौर पर लोग काम करते थे और जो वस्तुएं हैं उनको नाप कर और तोल कर देते थे। कि हड़प्पा सभ्यता से हमें, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बड़े पैमाने पर सेलखड़ी और पत्थर के बाट मिलते हैं और जो ये बाट हैं, वेट हैं, ये 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में मिलते हैं। यानी जिस तरह से आज हम 10 ग्राम 20 ग्राम है ना, तो उस तरह से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 अनुपात के बाट हमें मिलते हैं। तो सबसे छोटा बाट है यहाँ पे 13.64 ग्राम का है और तोलने के लिए हमें यहाँ से तराजू मिलते हैं, खुदाई से बड़े पैमाने पे हमें बाट और बटकरे मिलते हैं, तराजू मिलते हैं और नापने के लिए ये लोग गज का किसी पैमाने का प्रयोग करते हैं। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य का बना हुआ एक पैमाना मिला है जिसकी जो 9 बराबर भागों में बटा हुआ है और जिसमें ना प्रत्येक भाग में 0.264 इंच, यानी इतने हिस्से में वो बटा हुआ है और 9 बराबर हिस्सों में ये बटा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो लोग वस्तुओं को नापकर और तोलकर बेचते खरीदते रहे होंगे। तो ये उनकी विनिमय प्रणाली है, यानी उनका जो आर्थिक जीवन है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि यातायात के साधन, कि वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करते थे। हड़प्पा से पैदा के लोगों के जो यातायात के और संचार के साधन है ना, उसमें विभिन्न प्रकार से हमें प्रमाण मिलते हैं खुदाई से, यानी पशु, घोड़े, घोड़े की जानकारी इनको नहीं है, बैलगाड़ी है, बैल, ऊंट, इनका प्रयोग वो लोग आने जाने के लिए करते हैं। इसके अलावा बैलगाड़ी का जैसे मैंने आपको ये पीसी दिखाए हैं ना, खिलौने हैं, तो इसी प्रकार से हमें ये मिलते हैं, ये पहिए हैं और इस तरह से ये बैल है, इसका प्रयोग वो लोग आने जाने के लिए करते हैं। और मोहरों के ऊपर हमें बड़े पैमाने पर जहाज के और नाव के प्रमाण मिलते हैं। तो ये यातायात और संचार के साधन के तौर पे इसका प्रयोग करते रहे होंगे। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा से पैदा के लोगों का जो आर्थिक जीवन है वो भी नगरीय जीवन की तरह से बहुत ही उच्च कोटि और श्रेष्ठ रहा होगा। तो ये उनकी आर्थिक जीवन की विशेषता है। अब हम बातचीत करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी कि 1500 ईसा पूर्व तक आते आते इसका अंत कैसे हो गया, इसके पतन के कारण क्या है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब ये इसका लास्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी नगरीय सभ्यता है और जो 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो पीरियड है ना, वो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको हम जानते हैं। और 1800 ईसा पूर्व के बाद इसमें पतन के लक्षण आने शुरू हो गए थे और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इसके जो विकसित भवन है, जो नगर है ना, वो खंडरों में तब्दील हो गए थे। तो इसके पतन का कोई एक कारण नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है बाढ़, कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी और इन्हीं नदी घाटियों ने इसको बर्बाद भी कर दिया, इसको नष्ट भी कर दिया। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, जैसे जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित, तो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के तट पर स्थित, आलमगीरपुर हिंड नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार से राखीगढ़ी, भिड़ाना, कुणाल हरियाणा के जो क्षेत्र के जो नगर हैं, ये गग्गर, हाकड़ा और दृष्टि नदियों के तट पे स्थित थे। तो इन नदियों में बार बार बाढ़ आने के कारण संभवतः ये नगर नष्ट हो गए। जैसे जो मोहनजोदड़ो है, जिसको मृत्युवट टीला के नाम से भी जानते हैं,
कि वहां की खुदाई से हमें 70 फीट की गहराई तक मकानों के बनने के प्रमाण मिलते हैं। और इसमें ना गाद के प्रमाण है कि नदियों में बार बार बाढ़ आने के कारण से के वो मकान गिरते गए, उसके ऊपर बनाते गए। तो इस तरह से नदियों द्वारा में बार बार बाढ़ आने से ये नगर धीरे धीरे खंडर होने शुरू हुए, क्योंकि जो कृषि प्रधान थाई ये क्षेत्र और नदियों में बाढ़ आने के कारण इन लोगों की जो खेती है वो नष्ट हो गई। खेती नष्ट होने से इनका व्यापार नष्ट हो गया, व्यापार नष्ट होने से इनका जो आर्थिक जीवन है वो उसमें पतन के लक्षण आने शुरू हो गए, और धीरे धीरे जो उनका स्टैंडर्ड था वो उसमें डिस्टर्बेंस आने शुरू हुई। तो धीरे धीरे इन लोगों ने इस क्षेत्रों से खाली करना शुरू कर दिया और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो गई। नेक्स्ट है भूकंप। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए समझता है भूकंप को भी उत्तरदायी माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे भूकंप आए कि जिसके कारण से ना जो नदियां हैं उनके मार्ग अवरुद्ध हो गए, यानी कई जगह से मार्ग नदियां के बीच से ऊपर उठने से रास्ता उन्होंने मार्ग बदल लिया, जिसके कारण से बाढ़ आ गई, खेती नष्ट हो गई और इस प्रकार से भवन भी उनके नष्ट होने स्टार्ट हो गए। तो भूकंप ने भी संभवतः इस सभ्यता को नष्ट किया। ऐसे आज भी हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं कि बहुत से नगरों के अंदर भूकंप आते रहते हैं तो उनके कारण वो नगर है लगभग नष्ट होने के कगार पर आ जाते हैं। तो ऐसा समुदाय यहाँ पर भी हुआ होगा, तो भूकंप ने भी इस सभ्यता को नष्ट करने में भूमिका अदा की होगी। नेक्स्ट है नदियों द्वारा मार्ग बदलना। कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो नदी घाटियों में विकसित हुई थी और समय के साथ साथ इन नदियों से ही इस सभ्यता को ना सिंचाई के लिए, पीने के लिए और जीवन यापन के लिए, यातायात के लिए पानी मिलता था। लेकिन समय के साथ साथ इन नदियों ने अपना मार्ग बदलना शुरू कर दिया। जैसे जो सिंधु नदी है वो पहले मोहनजोदाड़ो के पास से बहती थी, अब लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर वो उससे चली गई। रावी नदी हड़प्पा नगर के साथ बहती थी, जो अब 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा उससे दूर बह रही है। यानी नदियों ने जब मार्ग बदलना शुरू कर दिया तो जो नगरों को मिलने वाला पानी था, जो सिंचाई के लिए मिलने वाला पानी था, वो बंद हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम हरियाणा क्षेत्र की बात करते हैं तो हरियाणा क्षेत्र में जो दृष्टवती, घग्गर, खाकड़ा और जो सरस्वती जैसी नदियां थी वो सूख गई हैं, उनका मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो जिसके कारण से ये नगर भी खंडरों में तब्दील होने आरंभ हो गए और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये पूरी तरह से खंडर हो गए हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन भी एक कारण रहा होगा कि शुरू में हड़प्पा सभ्यता की जलवायु है बहुत ही अनुकूल रही होगी कि यहाँ पे भरपूर मात्रा में वर्षा होती रही होगी। ऐसे प्रमाण हैं जैसे मोहरों के ऊपर गैंडे के, हाथी के चित्र अंकित हैं या फिर नाली व्यवस्था की बात करते हैं लोग या पीपल का अंकन देखते हैं। यानी यहाँ पे बारिश होती रही होगी लेकिन समय के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण या लकड़ी काटने के कारण से या ईंटे पकाने के कारण से संभवतः यहाँ पे वन कम होते रहे होंगे और धीरे धीरे शुष्क क्षेत्र होता होना शुरू हो गया होगा कि जिसके कारण संभवतः यहाँ पे बारिश कम होनी शुरू हो गई होगी, नदियों के अंदर पानी आना कम हो गया होगा और इस प्रकार से धीरे धीरे जो हड़प्पा सभ्यता है वो शुष्क होती गई और धीरे धीरे यहाँ के जो विकसित नगर हैं वो खंडरों में तब्दील होने आरंभ हो गए होंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार से है महामारी कि संभव है हड़प्पा सभ्यता में कोई भयंकर महामारी फैल गई होगी कि जिसके कारण से कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर ना कि लोग धीरे धीरे उनको खाली करना आरंभ कर दिया, जिस प्रकार से आजकल कोरोना और इस तरह के चल रहा है, तो उसमें कोई भयंकर बीमारी फैली होगी कि जैसे मोहनजोदाड़ो से हमें ऐसे ना 42 कंकाल हैं वो नगर में अस्त व्यस्त क्षेत्र में मिलते हैं, ना तो उनके संस्कार उनका कोई संस्कार किया गया है विधिवत तौर पे और वो सड़कों पे या आंगन में खुले मिलते हैं कि जिसको देखकर ऐसे लगता है कि संभवतः कोई बीमारी फैल गई होगी और इसके कारण से ना धीरे धीरे लोग इन नगरों को खाली करके यहाँ से जाना आरंभ कर दिया होगा। तो संभवतः कोई महामारी भी एक कारण रहा होगा।
इसी प्रकार से है विदेशी आक्रमण, कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता में किसी विदेशी आक्रमणकारी जाति ने हमला किया होगा कि जिसके कारण से ये लोग उनका सामना नहीं कर पाए होंगे और धीरे धीरे इन्होंने नगरों को खाली करना आरंभ कर दिया होगा। और एक समय ऐसे आया कि जो ये विकसित नगर हैं वो खंडरों में तब्दील होने आरंभ हो गए होंगे। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में कमी, कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इन इनका जो व्यापार है वो बहुत ही विकसित रहा है, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार रहा है। लेकिन समय के साथ साथ विदेशी व्यापार में कमी आने आरंभ हो गई होगी, जैसे कि हमने बातचीत की है कि नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन और बाढ़ आदि के कारण से या नदियों के मार्ग बदलने के कारण से ये संभवतः इनकी खेती नष्ट होना आरंभ हो गई। खेती नष्ट होने से इनके उद्योग और व्यापार पर उद्योग नष्ट होने आरंभ हो गए, और उद्योग नष्ट होने से इनका व्यापार डिस्टर्ब हो गया, और व्यापार डिस्टर्ब होने से जो इनका लाइफ स्टाइल है, तो इनकी जीवन यापन का जो स्टाइल था वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। और इस प्रकार से लोगों ने अब धीरे धीरे इन नगरों को खाली करना आरंभ कर दिया होगा, और धीरे धीरे क्या है ये नगर है वो खंडरों में तब्दील होने आरंभ हो गए, तो ये भी एक कारण रहा होगा। नेक्स्ट है प्रशासनिक स्थिरता, यानी प्रशासन की कमजोरी, कमजोर होना, कि आरंभ में हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है उच्च कोटि का रहा है, कि मजबूत रहा होगा, पूरी तरह से अनुशासन रहा होगा, तभी तो वहां पे एक नगर योजना थी, नाली व्यवस्था थी, इंटों का आकार सुनिश्चित था, नापतोल का आकार सुनिश्चित था। लेकिन समय के साथ साथ हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि संभवतः जिसके कारण से कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिखरनी आरंभ हो गई थी। जैसे जिन स्थानों से हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वहां पर हमें उत्तर हड़प्पा काल के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद का, यानी वहां पे इंटों का आकार डिस्टर्ब है, एक अनुपात दो अनुपात चार में बनती थी ना, तो उनका अनुपात डिस्टर्ब है। इसी प्रकार से जो बर्तनों की बनावट है, उनकी पकाई है, वो भी उस कोटि की नहीं है, उनमें गिरावट, उनमें पतन के लक्षण में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही मोहनजोदड़ो से हमें ऐसे प्रमाण मिले, जो मुख्य सड़क जो बताया गया है जो 33 फीट चौड़ी, जिसका वर्णन हमने पहले अपने लेक्चर में किया है, कि उसमें ना समय के साथ साथ जो बर्तन बनाने वाले लोग हैं उन्होंने उनके ऊपर आवे बनाने शुरू कर दिए, यानी प्रशासन कमजोर हो गया होगा तभी लोगों ने मार्ग के ऊपर बर्तन बनाने आरंभ कर दिए। ऐसे ही बहुत से स्थानों से हमें ऐसे लक्षण मिलते हैं कि जो पुरानी ईंटें हैं पढ़कर ही मकान बनाए जाने लगे हैं, योजना है वो डिस्टर्ब होना आरंभ हो चुकी है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक कमजोरी के कारण से धीरे धीरे जो विकसित नगर हैं वो नष्ट होना आरंभ हो गए, और धीरे धीरे जो ये नगर हैं वो खंडरों में तब्दील होना आरंभ हो गए थे। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, कि जो 5000 साल पहले एक सुविकसित सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी, समय के साथ साथ इसमें पतन के लक्षण आरंभ हो गए, और जो 1500 ईसा पूर्व तक आते आते तो ये सभ्यता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो इस तरह से जो ये नगर हैं आज खंडरों में तब्दील हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हो गया था 1500 ईसा पूर्व तक आते आते। धन्यवाद।